स्ट्रॉ रीपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों इस भूसे बनाने वाली मशीन को अक्सर आपने कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले इस मशीन का मॉडल कंप्यूटर में अपलोड करके सेव किया जाता है, जिससे ये कटर मशीन कंप्यूटर में से मॉडल के अकॉर्डिंग स्टील प्लेट को काट देता है। फिर स्टील शीट को प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर उसके बॉडी के अनुसार बेंड करते हैं। फिर सारे पार्ट को जोड़कर इसके बेस वाले हिस्से को तैयार करते हैं। फिर इस पर ग्राइंडिंग करके इसे स्मूथ बनाया जाता है। फिर इस पर ग्रीन कलर पेंटिंग करके इसे छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करते हैं। अब जरूरत के अनुसार सारे जगह बेल्ट व्हील को लगाया जाता है। फिर मशीन के नीचे से कन्वेयर सिस्टम को डालते हैं, जो डंटलों को स्लाइड करके ब्लेड तक भेजता है। अब इसमें रोटर सिस्टम को असेंबल करते हैं, जो ट्रैक्टर से कनेक्ट होकर ब्लेड और रील को रोटेट करता है। और इसे मशीन में डालकर पीछे फैन लगाते हैं, जो डस्ट को बाहर निकालता है। और इसे पेंट करके मशीन के अंदर फिट करते हैं। और लास्ट मिनट पर बहुत सारे ब्लेड लगाकर टाइटली कसते हैं। फिर इसके कटर सिस्टम को बनाने के लिए कटर बार में ब्लेड लगाते हैं, जो फसल को काटता है। इसमें रील को लगाकर छोटे छोटे रील टाइन को असेंबल करते हैं। फिर इसमें एक बड़े से पाइप को जोड़कर ग्रीन कलर पेंटिंग करते हैं। अब इसे मशीन में लगाकर बेल्ट व्हील में बेल्ट को लगाते हैं। और इस तरह से आपका पूरा मशीन बनकर तैयार हो जाता है।